बोन के लिए तरस रहा अलवर शहर का सोडावार क्षेत्र, पानी के लिए मचा हाहाकार, लोगों ने सड़कों को किया जाम। जी आपको बता दें, बड़ी खबर राजस्थान के अलवर से आ रही है, जहां पेयजल संकट को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते शहर के सोडावार क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोगों ने शहर के स्कीम 8 स्थित पंप हाउस के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर जाम कर दिया। इतना ही नहीं, स्थानीय महिलाओं ने पंप हाउस के अंदर प्रवेश कर पानी की टंकी पर चढ़कर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पानी का संकट इतना गहराया हुआ है कि लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैंकर भेजने की जगह पानी की सप्लाई की जाए, अन्यथा पानी का संकट इस तरह से बढ़ता जाएगा और लोग आपस में लड़ते जाएंगे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए राजस्थान अलवर से रूपेश शर्मा की रिपोर्ट। रोज की हर वार्ड के अंदर बोरिंग हो रही है, परंतु यहाँ बोरिंग कोई नहीं हो रही है। अच्छा, क्या कहाँ से लेकर आते हो पानी? जी बताएं, कौन सा क्षेत्र है, कहाँ परेशानी है? ये इसकी नंबर 8 सोनावा, निचला सोनावा, यहाँ पर इनकी रोजाना का काम है। अब पार्षद ने क्या कर रखा है कि भाई टैंकर भेज दिया एक, उसमें क्या है, किस कौन कौन आदमी पानी पिएगा? कम से कम भेजो तो कम से 5-7 दिन की एक साथ भेजो, जो भाई अलग अलग मोहल्ला है अपना, उसमें भरो। परंतु यहाँ तो क्या राजनीति कर रखी है, पानी सब कुछ है परंतु क्या खोलना नहीं है। यहाँ कर्मचारियों ने बिल्कुल इनकी परेशानी कर रखा है। यहाँ पर जब इनकी वो लग रहा है अपना, यहाँ से पानी के टैंकर भर के जाता है और फिर उसके बाद इनकी लाइन में पानी क्यों नहीं दे रहे? देना चाहिए ना। मतलब सुबह पानी नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। कितने दिन हो गए? कितना दिन हो गए? ये तो इनकी परेशानी घने दिन से है, कोई 6 महीने से परेशानी चल रही है इस चीज की। तो परंतु आज तो वैसे एक बाल्टी भी नहीं आया पानी, और एक की समस्या नहीं, सबकी समस्या है ये तो। जब मौसम अच्छा है।